अपने जिले की हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हजारिया टाइम्स। ललितपुर के थाना जाखलोन अंतर्गत ग्राम कुमरोला में एक व्यक्ति द्वारा गोवंश से दुष्कर्म करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। गाय के साथ जो रेप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वह हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, जिसको लेकर सनातनी हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं बजरंग सेना के जिलाध्यक्ष डॉक्टर दीपक पस्तूर ने मांग की है कि जल्द से जल्द ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर करड़ी सेना के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बसंत राज उर्फ बंटू महाराज सनातनी ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देकर गोवंश के साथ दुष्कर्म करने वाले को तुरंत ही गिरफ्तार करने की मांग की है। ललितपुर से विनोद मिश्रा के साथ आलोक चतुर्वेदी की रिपोर्ट। उसने गौ माता के साथ में इतना कुकृत्य किया है जिनमें पूरी सृष्टि समाहित है, जिनमें 36 कोटि कोटि देवताओं का वास है, उनके साथ में इस प्रकार का घिनौना कार्य किया है जो अपने मुंह से कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। ये घटना 2-3 दिन पूर्व की है, किंतु बार बार कहने के बाद भी जाखलोन थाना अध्यक्ष कान में घुल डाल के सो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। हमारे संज्ञान में आया है कि कुमरोला गांव में किसी वृद्ध व्यक्ति ने, एक अधेड़ व्यक्ति ने गाय माता के साथ बड़ी ही अश्लील एवं दुष्कर्म ऐसी हरकत की है, जो लगभग 2 दिन पहले यह हरकत की गई है और 2 दिन से लगातार इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन बड़ी ही विडंबना है, या ये समझ लीजिए कि हमारे हिंदू सनातन संस्कृति पर इतना जोरदार आघात हो रहा है, ऐसा दुष्कर्म जिसके लिए सुनने में ही हम सभी हिंदूवादी सनातनी भाइयों की छाती कांपने लगती है। ऐसे व्यक्ति ने हमारी गाय माता के साथ बहुत ही अश्लील एवं दुष्कर्म किया है और लगातार 2 दिन से यह वीडियो वायरल हो रहा है, ना ही अभी तक ऐसे व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई है, ना ही जिला प्रशासन ने अभी तक इस मामले को अपने संज्ञान में लिया है। सोशल मीडिया पर एक कुकर्म का वीडियो वायरल हुआ है, इसमें थाना जाखलोन पर 377 IPC और पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत FIR दर्ज की जा रही है। व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम भेज दी गई है, शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।